हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहां पर अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों, अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आप 10,000 से नीचे का ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10,000 से कुछ नीचे के स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे जिसे आप खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके लिए सबसे अच्छे बेस्ट स्मार्टफोन है 10,000 से नीचे का, इसे आप जो है देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में। हम आपको यहां पर जो है चार स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे और ये चारों स्मार्टफोन के बारे में हम बिल्कुल बारीकी से डिटेल्स के साथ जो है इसकी जानकारी हम लोग आपको देंगे। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर आता है रियलमी नार्जो 20A। ठीक है, ये फोन स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर और 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक स्पेशल रेट्रो लेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसकी शुरुआती कीमत 8,499 रुपये है। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की। तो दूसरे नंबर पर हमारा जो स्मार्टफोन है वो है पोको M2। ठीक है, इसमें आपको 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक हेलियो G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन 6GB रैम के साथ आता है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर चलता है। इसमें 5000 mAh बैटरी मिलती है। इसके रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। इस फोन की कीमत 9,999 रुपया है। चलिए आइए बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो हमारा जो अगला स्मार्टफोन है वो है Xiaomi Redmi का 9 Prime। इस फोन में 6.5 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। ये स्मार्टफोन 2 GHz की स्पीड वाले ऑक्टा कोर मीडियाटेक हेलियो G80 के साथ आता है। इस फोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपया है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत और अमेजिंग है। चलिए अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, हमारा जो अगला स्मार्टफोन है वो है मोटो E7 प्लस। इस फोन को इसका पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 ऑक्टा कोर प्रोसेसर खास बनाता है। ये प्रोसेसर 11 NM प्रोसेसर बेस्ट है। इस स्मार्टफोन में 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज दी गई है। रियर डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन की कीमत 9,499 रुपया है। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इनके नाम लिख करके सर्च करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।